हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की फिटनेस को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि अब पुलिस के अधिकारी जो मोटे अधिकारी हैं वो पुलिस में शामिल नहीं होंगे। उनकी फिटनेस को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी देखी जिनकी मोटी मोटी कुंडे थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे, तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले उनको नॉर्मल वेट, वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करवानी है, इतना खाना देना है ताकि उनको फिट किया जा सके, और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे। हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की फिटनेस को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि अब पुलिस के अधिकारी जो मोटे अधिकारी हैं वो पुलिस में शामिल नहीं होंगे। उनकी फिटनेस को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है। प्रवास के दौरान सड़क पर कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी देखी जिनकी मोटी मोटी कुंडे थी और वो दौड़ना तो दूर चल भी नहीं सकते थे, तो फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई इनको फिट कराया जाए। तो मैंने आदेश जारी किए हैं कि जितने भी ओवरवेट हैं पुलिस वाले उनको नॉर्मल वेट, वैसे जो माना जाता है 6 फुट वाले का जो 70 से 80 किलो तक माना जाता है या जो भी सरकार का मापदंड है, जितने भी ओवरवेट पुलिस कर्मचारी हैं उनको पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाए और एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि उनको इतनी एक्सरसाइज करवानी है, इतना खाना देना है ताकि उनको फिट किया जा सके, और जो जो फिट होता जाएगा उसको हम दोबारा फील्ड में लगा देंगे और जो जो मोटे होते जाएंगे उनको हम पुलिस लाइन भेजते जाएंगे। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।